जो कि 2010 से 11 के बीच में थे बट अभी वो डिस हो चुके हैं तो क्या इसका मतलब है कि ओवरऑल इंडिया का ट्री कवर कम हो रहा है तो ऐसा केस नहीं है इंडिया का जो ओवरऑल ट्री कवर है वो इंक्रीज हुआ है टू थाउजेंड वन में हमने जब नोटिस किया इसके अलावा फिफ्टी सिक्स परसेंट जो इंडिया है वो फार्म लैंड में कवर्ड है और सिर्फ ट्वेंटी टू परसेंट जो एरिया है वो फॉरेस्ट में कवर्ड है जो कि इंडिया को बनाता है दुनिया का सबसे बड़ा एग्रीकल्चरल एरिया इन वर्ल्ड तो यहाँ पे हम सैटेलाइट इमेजरी की यूज, कर, इमेजरी यूज करते हैं दो से एक तो रैपिड आई और एक प्लान जहां से तीन से पांच मीटर मतलब सैटेलाइट जो है वो इतने बड़े लार्ज ट्रीज को ही देख सकती है इंडिविजुअल ट्रीज की तरह और इसी डेटा इसी डेटा को जब कलेक्ट किया जाता है इसी के ऊपर जो हमारा एफ है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया वो डिपेंड करता है एंड वो ट्री कवर का डेटा हमें निकाल के देता है इसके अलावा यहाँ पे इन दोनों की बात हो रही है रैपिड आई और प्लान के बारे में मेजर स्टेट्स जहाँ पे सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं कि लॉस देखा गया है उसमें आ जाता है तेलंगाना महाराष्ट्र एंड ईस्टर्न पार्ट जो है मध्य प्रदेश का तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे हो जाते हैं इंडिया के टोटल ट्री कवर की बात करते हैं तो 2261 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है पूरा इंडिया का ट्री कवर ओवरऑल फॉरेस्ट और ट्री कवर जो है इट अकाउंट्स फॉर 80.9 मिलियन हेक्टेयर्स मतलब इंडिया का जो इंडिया का जो 24.62 परसेंट ज्योग्राफिकल एरिया है वो कंसिस्ट करता है ट्री कवर क्या होता है और फॉरेस्ट कवर क्या होता है ट्री कवर होता है कि टोटल एरिया ऑफ लैंड जो की दैट इज कवर्ड बाई ट्रीज रिगार्डलेस कि कैसा ट्री है या ट्री फॉरेस्ट इकोसिस्टम का पार्ट है कि नहीं है फॉरेस्ट कवर का मतलब होता है कि ऐसा एरिया जहाँ पे दैट इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट इकोसिस्टम मतलब सिर्फ ट्री नहीं है वहां पे तो ट्री की डेंस है जिसकी डेंसिटी टेन परसेंट से ज्यादा होनी चाहिए और जो एरिया है वन हेक्टेयर से ज्यादा होना चाहिए तो फॉरेस्ट कवर किसी एरिया को डिक्लेयर करने के लिए ट्री कैनोपी मस्ट बी मोर देन टेन परसेंट एंड दरिया Has to be more than जाती है ऐसे ही ट्री कवर्स ट्री कवर को और ऑर्थ को मॉनिटर करने के लिए जो कि प्रोग्राम है बाईस दैट इज यूरोपियन स्पेस एजेंसी नेक्स्ट हॉडल्स ऑन पाथ टू ग्रीन तो यहाँ पे बात की जा रही है कि जो गवर्नमेंट सपोर्ट है इट इज क्रिटिकल इन दी एनर्जी ट्रांजिशन ताकि हम अपने क्लाइमेट गोल्स को अचीव कर पाए एंड ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री की बात हो रही है 2023 की हाउ इट वॉज दी वॉर्मेस्ट ईयर इंडिया की अगर बात करते हैं तो इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट कार्बन एमिटिंग कंट्री इंपॉर्टेंट सेक्टर्स जो कार्बन एमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है उनमें आ जाता है पावर सेक्टर स्टील सेक्टर सीमेंट सेक्टर केमिकल फर्टिलाइजर्स एग्रीकल्चर सेक्टर से भी हम काफी ज्यादा मिथेन की भी देख सकते हैं एमिशन तो हम क्या क्या कर रहे हैं इंडिया के अंदर अभी इस चीज को टैकल करने के लिए तो इंडिया में हम कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे इनिशिएटिव हाईलाइटेड बाय द गवर्नमेंट जिसमें आ जाता है कि रेन्यूएबल एनर्जी लाने की बात कर रहे हैं रेन्यूएबल एनर्जी के लिए पीएलआई स्कीम्स दे रहे हैं हम सोलर एनर्जी के लिए विंड एनर्जी के लिए जैसे सोलर मॉड्यूल्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए यहाँ पे मैं है कि हम पीएलआई स्कीम लेके आ रहे हैं ताकि प्रमोट किया जा सके रेनिबल एनर्जी सोर्सेस के अडोप्शन uh, को इसके बाद हम क्या कर रहे हैं वायबिलिटी गैप फंडिंग दे रहे हैं जो फाइनेंशियल गैप हमारे हैं इन्वेस्टमेंट के बीच में इन टेक्नोलॉजीज में उसको हम गैप कर पाएंगे इसके अलावा वायबिलिटी गैप फंडिंग में जैसे कि ऑफ विंड और बैटरी स्टोरेज जो प्रोजेक्ट्स हमारे हो रहे हैं उनके लिए हम ऐसी स्कीम्स लेके आ रहे हैं ताकि फाइनेंशियल गैप्स को हम एड्रेस कर पाए ईवी के और फास्टर अडॉप्शन के लिए हम फेम स्कीम लेके आ रहे हैं जिसको बोलते हैं फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ताकि फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर हम रिलायंस अपना कम कर पाए देन नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी है हमारे पास जहां पे हम ऐसे सेक्टर्स जो कि ज्यादा इमिट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे इमिशन रिड्यूस करने की बात करते हैं जैसे केमिकल सेक्टर हो गया फर्टिलाइजर सेक्टर हो गया रिफाइनिंग इंडस्ट्री हो गई इसके अलावा यहाँ पे बात हो रही है ग्रीन ग्रीन बॉन्ड्स की बॉन्ड मतलब इन्वाटली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट जो है उनको कैसे हम फाइनेंस कर पाए कैसे कोई एक बॉन्ड खरीद के पर्टिकुलर प्रैक्टिस कर पाए तो उसको हम ग्रीन बॉन्ड बोलते हैं इसके अलावा एनर्जी बिल एनर्जी कंजर्वेशन बिल अमेंडमेंट भी लेके आए गए हैं जिसमें हमने बेसिकली इस बिल के अंदर अमेंडमेंट्स किए हैं ताकि एनर्जी एफिशिएंट हम इस लॉ को बना पाएं और ग्रीन टेक्नोलॉजी की जो ट्रांजिशन है उसके लिए सपोर्टिव एक सपोर्टिव हैंड हमारे लिए बन पाए अगर इंडिया की बात करते हैं तो 2070 तक इंडिया का नेट जीरो टारगेट अचीव नेट जीरो टारगेट अचीव करने का गोल है इसके अलावा पॉलिसीज जो है जैसे कार्बन टैक्स इम्प्लीमेंट किया जाता है बाकी दूसरी कंट्रीज से डोमेस्टिक स्टील मेकर जो हैं वहां पे फोकस करना चाहिए हमें कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि यहाँ पे लोकेटेड है ग्रीन हाइड्रोजन के साथ ग्रीन अमोनिया की फैसिलिटीज को भी सेटअप करने की हम बात कर रहे हैं इसके अलावा इंस्टॉल कैपेसिटी प्रोजेक्शंस जो यहाँ पे दिए हुए हैं इट इज ओवरऑल

जो कि फर्स्ट से सेकंड हम बोल सकते हैं सेंचुरी एडी के हैं यहाँ पे एविडेंसेस मिले पॉटरी के स्टोन टूल्स के नियोलिथिक पीरियड से कौन सी साइट पे मैंगलुरु में बुद्धा न जेडू साइट बुद्धा न जेडू साइट तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि दिस कैन टेल अस अबाउट दी ओरिजिन ऑफ बाबू स्वामी अगर इंपॉर्टेंट इंडिया के अंदर हम बात करते हैं नियोलिथिक साइट्स की तो गंगा वैली के अंदर काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूलिथिक साइट पाई जाती है विंध्यान हिल्स में बेलन में इसके अलावा गंगा वैली की अगर बात करते हैं तो खोलडीवा और लेरा देवा महागरा जो कि गंगा वैली में पाए जाते हैं इसके अलावा भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं न्यूलिथिक में जो कि एक न्योलिथिक साइट हमारा लद्दाख के अंदर भी लोकेटेड है हम देख सकते हैं एक सेकंड जैसे चिरान लोकेटेड है इन स्टेट ऑफ बिहार, दाओजाली हादिंग जो कि असम के नॉर्थन पार्ट में लोकेटेड है जहाँ पे यूनिक टूल्स हमें मिले थे बगौर जो कि राजस्थान में लोकेटेड है बुरजा होम कश्मीर वैली में लोकेटेड है इसी की मैं बात कर रही थी जो कि डेट बैक करता है अराउंड थ्री थाउजेंड बी यूनिक पिट ड्वेलिंग्स के लिए ये फेमस हुआ था एंड कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेजम जो कि बाय यूरोपियन यूनियन हम बोल सकते हैं कि लगाया गया था रिगार्डिंग द कार्बन टैक्सेशन सो वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इंडिया अपना एक कार्बन मैनेजमेंट टैक्स सिस्टम डेवलप करे ताकि वो बाकी ओवरऑल वर्ल्ड के जो टारगेट्स चल रहे हैं वर्ल्ड का जो अलाइनमेंट चल रहा है उसके साथ भी अपने आप को अलाइन कर पाए नेक्स्ट रिजर्वेशन का कैप था, के था. तमिलनाडु की यहाँ पे बात हो रही है 50 तो 50 के जो कैप है उसको और भी आगे बढ़ा के कैसे आपकी प्रोस्पेरिटी बूस्ट की है तमिलनाडु के केस में हम देखने वाले हैं तो फिफ्टी परसेंट जो कैप थी ऑन द रिजर्वेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी के लिए एस टी के लिए बेसिकली उससे ज्यादा तमिलनाडु में प्रोवाइड किया जाता है हाईस्ट इंडिया में दैट इज सिक्सटी नाइन परसेंट तो सिक्सटी नाइन परसेंट कोटा जो है वो रेस किया गया था नाइनटीन में तमिलनाडु के अंदर तो यहाँ पे अगर केस स्टडी की बात करें तो क्या क्या प्रोस्पेरिटी तमिलनाडु में हुई है क्या डेवलपमेंट देखा गया है तो इसको नेचुरल एक्सपेरिमेंट की तरह देखा गया है इस 50% कैप रिजर्वेशन को बढ़ाना 1993 और 2023 के बीच में बात करें तो तमिलनाडु जो है वो सेकंड हाईएस्ट बन चुका है इन ग्रोथ इन कैपिटा ग्रोथ इन पर कैपिटा आफ्टर कर्नाटका तो कर्नाटका के बाद तमिलनाडु ही है इफ यू टॉक अबाउट इन दी ऑफ ग्रोथ इन पर कैपिटा इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं हमने देखा यहाँ पे जो तमिलनाडु है वहाँ पे नंबर ऑफ फैक्ट्रीज डबल हो गई है, है इन्वेस्टमेंट जो है मीडियम और स्मॉल प्राइवेट सेक्टर में इंटरप्राइजेस में वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है सेकेंड हाइएस्ट हो गई है आफ्टर महाराष्ट्र तमिलनाडु में हाइएस्ट नंबर ऑफ टोटल वर्कर्स दे आर एम्प्लॉयड अमंग ऑल ऑफ दिस

जो हो रही है इंडिया में फोर्टी परसेंट ऑफ कंट्रीज इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन इट कम्स आउट फ्रॉम तमिलनाडु अलोन तो तमिलनाडु बहुत सारे सेक्टर्स में हम देख सकते हैं कि लीड कर रहे हैं ऑलरेडी तो यहाँ पे यही बात की जा रही है इसको लिंक किया जा रहा है जो रिजर्वेशन बढ़ाई गई है एंड अफोर्मेटिव एक्शन को यहाँ पे बताया जा रहा है कि इन्होंने इंक्रीज किया है बाय इंक्रीजिंग द रिजर्वेशन फॉर दि पीपल एंड

अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एंड डिफरेंट सेक्टर इवॉल्विंग सेक्टर्स को आगे बढ़ा सकते हैं एंड अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठा सकते हैं बट सिर्फ टैक्सिंग द रिच मेंटालिटी जो है वो इंडिया के जो लॉन्ग टर्म गोल्स है उनको बेसिकली अचीव करने में उतना हेल्प नहीं करेगा बट इफ यू प्रोवाइड फ्रीडम टू दलनरेबल सेक्शन इकोनॉमिक फ्रीडम टू दलरेबल सेक्शन दैट इट देन इट विल डेफिनेटली नेक्स्ट बात करें मोर देन सेवेंटी लाख ट्रांजेक्शन ऑन ओ एन डीसी प्लेटफॉर्म ओ एन डी सी प्लेटफॉर्म क्या है इट स्टैंड ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है इट वॉज लॉन्च इन ट्वेंटी ट्वेंटी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे डी पी आई आई टी डिपार्टमेंट के अंदर आता है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड एंड बेसिकली यहाँ पे डिजिटल कॉमर्स सेवेंटी लाख तक का क्रॉस हुआ है तो वन ट्वेंटी फाइव इको सिस्टम स्टेक होल्डर्स जिसमें हो गए स्टेक होल्डर्स में स्टार्टअप यूनिकॉन्सनेटी फाइव से ज्यादा उन्होंने लेटर ऑफ इंटेंट इसको ज्वाइन करने का दिया है आगे इसके अलावा फाइव लाख सेलर जो है वो ऑन बोर्ड ,00 आ चुके हैं जिसमें विच इज मोर देन सेवेंटी परसेंट से सेवेंटी परसेंट से भी ज्यादा स्मॉल एंड स्मॉल एंड मीडियम साइज सेलर्स हैं तो बेसिकली हम बोल सकते हैं ग्राउंड ग्राउंड लेवल लेवल पे जो मीडियम एंड स्मॉल साइज सेलर्स हैं उनको ये डायरेक्टली हेल्प कर रहा है कंपनीज एक्ट इसको ओवरसी कर मैनेज करती है इस नेटवर्क की ऑपरेटिंग को किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बेसिकली इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को मेनटेन करने के लिए ताकि कोड ऑफ कंडक्ट भी बना रहे एंड पार्टिसिपेशन नेटवर्क एक डेवलप हो पाए सारे स्टार्टअप्स के लिए एंड डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के लिए तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि सारे डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को ये साथ में एक प्लेटफॉर्म पे लेके आता है जिसमें फाइव लैक सेलर सेलर वन ट्वेंटी फाइव इको सिस्टम स्टेक होल्डर्स को ये साथ में लेके आया है देन नेक्स्ट नीड ऑफ लोअर टैरिफ टू बिकम अ पार्ट ऑफ ग्लोबल वैल्यू चेन तो यहाँ पे सी बैंक की बात हो रही है दैट इज कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म तो यहाँ पे यही हाईलाइट किया जा रहा है बाई द नीति आयोग सीईओ दैट इज बीवीआर वी सुब्रमण्यम एंड वो हाईलाइट करें कि जो लोअर टैरिफ्स है वही एक की है इंडिया को ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्टनर बनाने की जो इंटरनल भी हमारा ट्रेड होता है एंड जो एक्सटर्नल ट्रेड होता है वाय दी पोर्ट्स पूरे इस प्रोसेस में जितना टैरिफ हमारा लगता है इसके अलावा जो बॉर्डर टैक्स मैकेनिज्म हम देख सकते हैं यूरोपियन यूनियन के द्वारा भी लगाए जा रहे हैं तो कह सकते हैं कि कि अगर अगर आगे हमें बढ़ना है है तो इंडिया को भी जरूरत वो अपनी इस ग्लोबल वैल्यू चेन में एक बनाए अगर की यहां पे बात करें कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म तो पॉलिसी टूल है किसके लिए कार्बन एमिशन को बेसिकली कम करने के लिए जो भी इम्पोर्ट करती है कंट्री उस पर जितना कार्बन एमिशन हो रहा है उसको कैसे कम किया जाए उसकी यहाँ पे बात होती है तो फिट फॉर फिफ्टी फाइव इन ट्वेंटी थर्टी पैकेज इसका्बन एमिशन को रिडक्शन का टूल है ये इसके अलावा अगर हम बात करें कौन सेक्टर्स इंडिया के डायरेक्टली इम्पेक्ट होंगे इससे तो आयरन सेक्टर स्टील सेक्टर एल्यूमिनियम प्रोडक्ट जो है जिसका एक्सपोर्ट ज्यादा होता है मेटल्स का ईयू को वो डायरेक्टली इम्पेक्ट हो इसके, इसके वजह से तो एक्सपोर्ट कॉम्पिटेटिवनेस जो है उसको ये हैम्पर करता है बेसिकली बर्डन जो है वो बढ़ा देता है तो ऐसे हमारे एक्सपोर्ट जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गया ऑर्गेनिक केमिकल्स फार्मास्यूटिकल जो हमारी इंडस्ट्री है या टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जो कि टॉप ट्वेंटी इम्पोर्ट्स में आते हैं फ्रॉम इंडिया बाई ईयू वो भी डायरेक्टली इसकी वजह से सो बेसिकली डी प्रिंसिपल है इंडिया में भी जिसमें पी एल आई स्कीम्स दी जाती हैं और नेशनल स्टील पॉलिसी भी है इंडिया में जिसमें इंडिया का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करने की बात करते हैं बट कार्बन एफिशियंसी को भी साथ में मेंटेन करने की हम बात करते हैं डी की बात करें क्या होता है डी मतलब हम ग्रीन हाउस गैसेस गैसेजन जो है उसको रिड्यूस करें या फिर एलिमिनेट कर रहे हैं जिसमें स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे ट्रांसपोर्टेशन मैन्युफैक्चरिंग एग्रीकल्चर सेक्टर से से कार्बन एमिशन आते हैं उसको डी करने की हम बात करते हैं तो इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम इंडिया को भी अपने लिए प्रिपेयर करना चाहिए जैसे चाइना और रशिया भी हम देख रहे हैं कि वो स्टेब्लिश कर रहे हैं नेक्स्ट इज रिगार्डिंग अडानी विंड एनर्जी प्रोजेक्ट इन श्रीलंका तो यहाँ पे बात हो रही है कि कि अडानी का ये विंड एनर्जी प्रोजेक्ट था था जो आने वाला श्रीलंका के नॉर्दर्न मन्नार और पुनियर डिस्ट्रिक्ट में जिसको चैलेंज किया गया है श्रीलंका के एप एक्सपोर्ट ने किस बेसिस पे लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पे तो यहाँ पे बात हो रही है वाइल्ड लाइफ एंड नेचर प्रोटेक्शन सोसाइटी जो कि श्रीलंका के श्रीलंका में लोकेटेड है एंड इट इज वन ऑफ द श्रीलंका ओल्डेस्ट इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज तो यहाँ पे बेसिकली जो आ, हमारा प्रोजेक्ट है उसको जिस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है उसके ऊपर क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं कि कैसे हम कह सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी उसमें कम है इंडिया और श्रीलंका की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया और श्रीलंका को डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स पे साथ में हम कह सकते हैं कि कॉपरेट करते हैं जिसमें थर्मल पावर आ जाता है उसके अलावा हिस्टोरिकल टाइज की पहले बात करें तो कौन से कॉमन ग्राउंड है इंडिया और श्रीलंका के बीच में तो कल्चर एंड हेरिटेज एक कॉमन ग्राउंड हो जाता है जिसमें बुद्धिज्म जो है वो इंडिया में ओरिजिनेट हुआ था बट इम्पॉर्टेंट रिलीजन है हमारा श्रीलंका के अंदर भी ट्रेड जो है वो एंशियंट टाइम से ही देखी जाती है इंडिया और श्रीलंका के बीच में अभी अगर बात करें तो इंडिया जो है उसने फोर बिलियन यूएसडी वर्थ का जो एड है वो दिया था श्रीलंका को तो इकोनॉमिक क्राइसिस में भी जो इंडिया है इट हैज बिन अ हेल्पिंग हैंड फॉर श्रीलंका जब फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी ट्वेंटी ट्वेंटी टू में जो कि इंडिपेंडेंस के बाद से सबसे वर्स्ट कह सकते हैं हम क्राइसिस थी फॉर श्रीलंका उस टाइम पे भी इंडिया ने एड दी थी टू तो श्रीलंका आई के साथ कोलैबोरेट करने के लिए इंडिया ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ताकि जो क्रेडिटर्स हैं श्रीलंका के उनको डेट के लिए रीस्ट्रक्चरिंग मिल पाए इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी कॉपोरेशन में ज्वाइंट इनिशियेटिव दोनों कंट्रीज लेती हैं पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लॉजिस्टिक्स पोर्ट कनेक्टिविटी है ग्रिड कनेक्टिविटी है, है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी को ट्रीट किया जाता है इसके अलावा ईटीसीए एग्रीमेंट भी है बिटवीन बोथ दी कंट्रीज दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन एग्रीमेंट और पेट्रोलियम पाइपलाइंस जो है उस पे भी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में दोनों कंट्री साथ में काम करती हैं इसके अलावा इम्पोर्टेंट अभी रिसेंटली ट्रेड सेटलमेंट्स रुपए में किया जा रहा था विद uh, श्रीलंका ताकि श्रीलंका की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसमें उसको हेल्प मिल पाए उसके अलावा यूपीआई सर्विसेज जो है वो अब श्रीलंका में भी अवेलेबल है तो हम देख सकते हैं डिफरेंट सेक्टर्स में कैसे एक्सटेंसिव

बिग टेक कंपनीज हैं वो बेसिकली जो नए अमेंडमेंट बिल्स आ रहे हैं उनको अपोज कर रही हैं बोल के कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे वो फोकस करे या फिर जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसको कंप्लायंस पे वो फोकस करे। तो बात हो रही है कि कैसे अगर हम डिटेल्ड प्रोविजन लेके आ रहे हैं जैसे यहाँ पे डी पी डी डी पी की बात हो रही है दैट इज डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट तो क्या उसमें हम इंटरेस्ट और इनोवेशन जो है दोनों को बैलेंस कर पाएंगे क्या हम जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसको भी उसको भी कंप्लायंस कर पाए उसके साथ रिसर्च एंड इनोवेशन को भी प्रमोट कर पाए तो ये एक थिन लाइन हो जाती है बैलेंस करने की और यहां पे बात की जा रही है कि जो ए है एज अ ट्रांसफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा पोटेंशियल है ए का जैसे चार्ट जीपीटी टी फोर ओ भी हमने अभी रिसेंटली देखा जहाँ पे लेयरिंग लेके आई गई जो बायस्ड ओपिनियंस देते हैं चार्ट जीपीटी के थ्रू आते थे पहले उसको कैसे हम कम कर पाए कैसे उसको फिल्टर कर पाए एंड बायसेस को रोक पाए उसके ऊपर बात हो रही है तो जब हम ए को रिस्पॉन्सिबल बनाने की बात करते हैं तो ए जो बिग कंपनीज हैं बिग डेटा कंपनीज हैं व्हाट्सएप इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब इन सब के बारे में भी हमें बात करनी चाहिए कि कैसे इनका कंप्लायंस को हम और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बना पाए तो पूरे आर्टिकल में यही बात यहाँ पे हो रही है कि ए को रेगुलेट करना चाहिए एंड ये क्लियर होना चाहिए कि ए का रेगुलेशन भी इम्पोर्टेंट है बट उसके साथ इनोवेशन भी इंपॉर्टेंट है तो हम दोनों ही जगह पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते नेक्स्ट इज रिगार्डिंग फ्लैश फ्लड्स ये हमने कल भी देखा था फ्लैश फ्लड क्या होता है एब्रप्टली एक मूवमेंट होता है जो कब ज्यादा वल्नरेबल होता है इंडिया फ्लैश फ्लड्स के लिए जब रेनफॉल ज्यादा आती है रेनफॉल कब ज्यादा आती है सिर्फ चार महीनों में इंडिया जो है वो सेवेंटी फाइव परसेंट रिसीव सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ रेनफॉल रिसीव कर लेता है जिसकी वजह से हिमालयन रीजन जो है वेस्टर्न घाट वाला रीजन जो है वो हाईली वर्नरेबल हो जाता है लैंड के फ्लैश फ्लड्स के एकदम से पानी आता है जो कि रिवर की कैपेसिटी को एक कर जाता है जिसकी वजह से आसपास का जो डिब्रेस है सैंड है वो सब अपने साथ कंज्यूम करके ये आगे बढ़ जाता है एंड इसको हम फ्लैश फ्लड बोलते हैं इसको मॉनिटर करने के लिए इसरो जो है वो डॉपलर रेडार्स यूज कर रहा है इसके बाद नेक्स्ट इज रिगार्डिंग रिमांड हियरिंग्स एंड व्हाट दिस इज व्हाट अ स्टडी सजेस्ट्स तो रिमांड हियरिंग्स की यहाँ पे बात हो रही है बेसिकली सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने डायरेक्ट किया जो जर्नलिस्ट हैं हमारे प्रबीर पुरकेस था उनको रिलीज करने के लिए किस बेसिस पे जो ड्यू प्रोसेस था वो फॉलो नहीं हुआ था उसके बेसिस पे उनका अरेस्ट और जो डिटेंशन है उसको बेसिकली सेफ गार्ड करने की यहाँ पे बात हो रही है और उनको अभी के लिए रिलीज कर दिया गया है तो जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है उनको वायलेट किया गया जो लीगल काउंसिल है जो जो भी जेल्ड पर्सन जर्नलिस्ट पर्सन थे उनको अपने पर्सन का जो लीगल काउंसिल है ऑफिस चॉइस उसकी अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई ताकि वो अपने आप को डिफेंड कर पाए जो कि डायरेक्टली आर्टिकल ट्वेंटी बात की जाती है कि उनको अरेस्ट किया, कि किया गया है तो अरेस्ट मेमो की यहाँ पे बात हो रही है और मीनिंगफुल कम्युनिकेशन जो होना चाहिए हमारे ग्राउंड ऑफ अरेस्ट के टाइम पे वो भी राइटिंग में प्रोवाइड प्रोवाइड होना चाहिए तो मैजिस्ट्रेट का यहाँ पे क्या रोल आता है उन्होंने आर्टिकल ट्वेंटी वन को स्टेट किया एंड आर्टिकल ट्वेंटी टू के सब क्लॉज टू को स्टेट किया जिसमें बोला जाता है कि हर कोई अरेस्टेड पर्सन जो है ही और शी शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द विद इन आवर्स जिसको हम फर्स्ट प्रोडक्शन बोलते हैं फिर मेजिस्ट्रेट या जो जज है वो फर्दर नोटिस देगा एंड वो फर्दर डिटेंशन करेंगे कि पुलिस की कस्टडी में जुडिशल कस्टडी में कहाँ पे होगे थ्रू द रिमांड हियरिंग तो ज्युडिशल स्क्रूटनी का होना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है टू इंश्योर दो चीजें स्टैट्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल के अंडर की गई है जिसको जो कि की, की गई है एनएलयू एनएलट इज नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी इन दिल्ली तो यहाँ पे बेसिकली सजेस्ट किया गया कि जो मजिस्ट्रेट्स हैं दे रियलाइज कि जो <clears throat> यहाँ पे बेसिकली तीन इंपॉर्टेंट चीजों की बात हो रही है एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देने की सैटरी प्रोटेक्शन देने की इसके अलावा जो रिमांड है या फिर जो फर्स्ट प्रोडक्शन है उसको कैसे कैसे उसके साथ कैसे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में हो जाता है आर्टिकल ट्वेंटी वन आर्टिकल ट्वेंटी टू के दोनों क्लॉज आर्टिकल ट्वेंटी वन बेसिकली बात करता है कि नो पर्सन शाल बी डिप्राइव ऑफ इज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट फॉर अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर इज दैट इज एस्टैब्लिश्ड बाई लॉ सो बेसिकलीफोर द लॉ इम्पोर्टेंट है किसी भी इंडियन पर्सन को देना इसके अलावा आर्टिकल ट्वेंटी टू जिसमें वो बात करते हैं बेसिकली प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट इन डिटेंशन कुछ केसेज में तो सब क्लास वन एंड सब क्लास टू अरेस्ट में वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्यों क्योंकि वो बेसिकली इंफॉर्मेशन अपने साथ कंटेन करता है जिस सरकमस्टेंसेस में अरेस्ट हुआ या फिर जो भी फैमिली है उसके साथ इंटरेक्शन हुआ एमएलसी दैट इज मेडिको लीगल सर्टिफिकेट जो कि अक्यूज जो भी है उसका जो मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ उसकी डिटेल्स इस एमएलसी जो मेडिको लीगल सर्विस है उसके अंदर प्रोवाइडेड होती हैं अरेस्ट मेमो की बात करते हैं तो ये ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें बेसिकली जो पुलिस है उसको टाइम ऑफ अरेस्ट या जो भी इम्पॉर्टेंट चीजें हैं कि किस टाइम पे जो अरेस्टेड पर्सन है उसको वापस पुलिस स्टेशन लेके आया गया क्रिटिकल जो उस अरेस्ट के टाइम पे इंफॉर्मेशन है उनको नोट डाउन किया जाता है ताकि इन डिटेंशन जो है इन डिटेंशन जो है अक्यूज को उससे बचाया जा सके तो ये कुछ इंपॉर्टेंट की हाईलाइट थे इस आर्टिकल के नेक्स्ट नरसिम्हा इयर्स पे नरसिम्हा राव की बात हो रही है दैट ही वाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम आउटसाइड दी नेहरू एंड गांधी एंड फैमिली तो यहाँ पे अगर इम्पोर्टेंट बात करें कि उनके क्या कॉन्ट्रीब्यूशन थे तो दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स यहाँ पे नोट किए जा रहे हैं एक तो लिबरलाइजेशन ऑफ इकॉनॉमी इसके अलावा एक तो लिबरलाइजेशन ऑफ इकॉनॉमी इसके अलावा डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद इन दी अयोध्या So, अगर पीवी नरसिम्हा राव की बात करते हैं हम तो लाइसेंस राज के अंदर रिस्ट्रिक्शंस रिस, जो थी उनको डिसमेंटल करना रेड टेप को रिड्यूस करना इसके अलावा जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी उनको ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाने के ऊपर इन्होंने एक्टिवली वर्क किया था सर्विस ओरिएंटेड और बेसिकली इकोनॉमी या फिर मोर मार्केट इकोनॉमी बनाने की इन्होंने बात की थी इंडिया को एंड उसके ऊपर वर्क भी किया था इसके अलावा इन्होंने इसराइल के साथ हम बोल सकते हैं इम्पोर्टेंट डिप्लोमैटिक एस्टेब्लिश किए लुक ईस्ट पॉलिसी इनिशियट इन्हीं के अंदर हुआ था इसके अलावा इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स जिसमें आता है सेवेंटी थर्ड एंड सेवेंटी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि लोकल बॉडीज को इम्पावर करता है वो भी इनके टेन्योर के अंदर ही आया था तो ये कुछ इंपॉर्टेंट की हाईलाइट हैं अंडर द टेन्योर दी वी नरसिम्हा राव

स्पेन और मोरोको यूरोप और अफ्रीका के बीच में हम बोल सकते हैं लोकेटेड है एक साइड पे मेडिटेरियन सी लोकेटेड है और लेफ्ट साइड पे अटलांटिक ओशन तो दोनों के बीच में ये स्ट्रेट बनता है। इसके अलावा और कास्ट में यहाँ पे जो प्रॉब्लम देख रहे हैं हम फिशिंग लाइंस के अंदर टैंगलमेंट की प्रॉब्लम हम देख रहे हैं तो फिशिंग लाइन से हम देखे देखते हैं कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो जाती है एंड जो उनको रिप्रोडक्टिव प्रोडक्टिविटी है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट होती है तो वही सेम इशूस ये जो किलर वेल्स हैं ऑर्कास हैं वो भी फेस कर रही हैं। वाइट ग्लाडिस जो फीमेल ऑर्का होती है उसको व्हाइट ग्लाडिस बोलते हैं तो यहाँ पे बात हो रही है आफ्टर द सिविल वॉर्स द स्टिफिंग इंपास इन श्रीलंका तो श्रीलंका में हम बोल सकते हैं 1983 से लेकर 2009 के बीच में आर्मड कॉन्फ्लिक्ट्स तीन डेकेड्स तक देखा गया किसके बीच में श्रीलंका की जो गवर्नमेंट थी उनके बीच में और एलटीटीई के बीच में एलटीटी स्टैंड्स फॉर लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलएम बेसिकली सेपरेटिस्ट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन था ये जो कि इंडिपेंडेंट तमिल बनाने की बात करता था नॉर्दर्न और ईस्टर्न रीजन जो है आइलैंड का उस साइड में सो वायलेंस ह्यूमन राइट्स अब्यूज काफी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ सिविलियंस का इस टाइम पे एंड ये जो एल है ये जाना चाहता है अपने गुरीला टैक्टिक्स के बारे में सुसाइड बॉम्बिंग्स के बारे में इसके अलावा सिग्निफिकेंट टेरिटरी को एकदम से कंट्रोल कर लेना नॉर्थ और ईस्ट ऑफ द श्रीलंका तो यहाँ पे बेसिकली कैसे इसने हिंडर किया है श्रीलंका के प्रोग्रेस को तो उसकी बात हो रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ट्रेन बैंक सुपर मार्केट्स होटेल्स हो गए जो नॉर्दर्न या रूरल एरियाज हैं उनमें जो डेवलपमेंट्स हुए थे बेसिकली अनस्टेबल लाइवलीहुड प्रोवाइड किया गया इन आर्म्ड सर्जेंसीज के इन की वजह से जो टेरर अटैक हुआ था जैसे कि ईस्टर बॉम्बिंग हुआ टू में इसके बाद कोविड नाइनटीन पैंडमिक आ गया तो एक अभी भी इकोनॉमिक क्राइसिस इज गोइंग ऑन 2022 की अगर बात करें जो कि वर्स्ट इसकी क्राइसिस थी सिंस इंडिपेंडेंस तो ये कुछ की हिंड्रेंसेस थे जो कि श्रीलंका के प्रोग्रेस ने देखे इसके अलावा इकोनॉमिक चैलेंजेस जिसमें इन्वेस्टमेंट्स काफी सारे फेल्ड इन्वेस्टमेंट्स लोकल इकोनॉमिक रिवाइवल नहीं हो पा रहा था इंटरनेशनल डोनर प्रोजेक्ट्स जो कि फोकस कर रहे थे कि बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो भी इफेक्टिवली रिवाइटलाइज नहीं हो पा रहे थे लोकल इकोनॉमी को रिवाइटलाइज नहीं कर पा रहे थे एन जो थे उनकी एड जो थी उससे भी डिपेंडेंसी बढ़ रही थी एंड माइक्रो फाइनेंस डेट ट्रैप्स जो थे वो बढ़ रहे थे पोलराइजेशन पॉलिटिकल निगलेक्ट ये सारे चैलेंजेस बेसिकली तमिलनाडु फेस कर रहा था Here I will add one thing कि LTT का नाम T से तमिल क्यों है तो फर्स्ट ऑफ ऑल श्रीलंका का जो नॉर्दर्न साइड है उसमें तमिल डायस्पोरा है रहते हैं और जो सदर्न साइड है मोस्टली फ्रॉम मिड टू सदर्न साइड वहां पर सिन्लिस बुद्धिज़म वो बिलोंग करते हैं नॉर्दर्न वाले जो होते तो हैं उसमें क्रिश्चियन है मोस्टली हिंदूज है और तमिल है तमिलियन है वो इसलिए तमिलियन जो तमिलनाडु है वहां जो पॉलिटिक्स है इट डिपेंड्स ऑन द नॉर्दर्न पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका इसलिए राजीव गांधी जी के समय में इन पीस कीपिंग फोर्स भेजा गया था नॉर्दर्न साइड टू स्टेबलाइज द रीजन दैट इज़ वाई तभी तभी तमिलनाडु की सरकार जो थे जो सपोर्ट किया था राजीव गांधी को उन्होंने बोला कि आप भेजिए क्योंकि उनके जो ब्रदर्स थे तमिलनाडु जो तमिलियन पॉपुलेशन थे नॉर्दर्न साइड ऑफ श्रीलंका उनको बचाए ओवर द यस इंडिया वॉज इंडिया एड सेंड उसके बाद फिर जब असैसिनेशन हुआ तो इंडिया गवर्नमेंट का जो स्टैंड था वो डिफर कर गया और उन्होंने फिर श्रीलंका गवर्नमेंट को सपोर्ट किया और टू के आसपास में श्रीलंका गवर्नमेंट वॉज एबल टू रिमूव एल टी टी फ्राम इट्स कंट्री और हार्ड मेजर यूज किया गया था ह्यूमन राइट वॉल्यूशन था उसके बाद से आज तक में देर हैज बिन इशू ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द नॉर्दर्न तमिल पॉपुलेशन इन श्रीलंका तो अभी जो सरकार जो बना है जो सिली बुद्धिस्ट नेशनलिज्म हमेशा बात करते हैं कि आप तमिल पॉपुलेशन को इंटीग्रेट करिए उनको आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करिए इन दूशन तो ऐसा दिक्कत होता है

अपना खुद का करियर बूस्ट करने के लिए या फिर पॉलिटिकल सपोर्ट गेन करने के लिए वो ऐसा करते हैं इसके अलावा ऐसे लोकेशंस uh, पे इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको इस्टेब्लिश किया जाता है के पे उनके लिए वो पॉलिटिकली एडवाटेज होगा तो सोशो कल्चरल डिमांड जो है उनके खुद के इलेक्टोरेट की उसको बेसिकली केटर करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बहुत बार हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटीज के जो नेम है उनको चेंज करती रहती है अपने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से एंड ये काफी ज्यादा प्रोमिनेंट देखा जा रहा है पंजाब के एरिया में वेस्ट बंगाल तमिलनाडु केरला के अंदर भी तो अपॉइंटमेंट कैसे हो रहा तो है हकी है overall. पहला बात है कि अभी जो गवर्नर है तो उसमें वाइस चांसलर है उसमें गवर्नर का रोल बढ़ जाता है और उसके कारण क्वेश्चन उठता है कि गवर्नर इज ट्राइंग टू इंटरफेयर रिगार्डिंग द वर्किंग ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटी सेकंड है कि हमेशा जब भी क्रिटिसिज्म होता है रिगार्डिंग द इंस्टीट्यूट फ्रीडम रिगार्डिंग नेशनल सिक्योरिटी सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव कश्मीर के इशू कहीं पर भी एंटी नेशनल एक्टिविटी सो कॉल्ड कोर्ट एंड कोर्ट उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट दे ट्राई टू इम्प्लीमेंट एंटी स्टूडेंट पॉलिसी एस एलेज तीसरा बोल सकते हैं कि आई आई एम जो ऑटोनॉमी था उसको थोड़ा रिड्यूस किया गया पिछले दो साल के अंदर में तो कैसे इसको हायर एजुकेशन को पोलिटिस से रोक सकते हैं पहली बात है ऑटोनॉमी मोर एंड मोर दे सकते हैं कोलैबोरेशन विद द वेस्ट जो बिग यूनिवर्सिटी उनके साथ कर सकते हैं उसके बाद फ्रीडम टू द प्रोफेसर फॉर हायरिंग फ्रीडम ऑफ टू दूनिवर्सिटी फॉर हायरिंग प्रोफेसर और डिजाइनिंग हो रही है स्टेट फंडेड मीडिया ड्यूरिंग इसको आप कवर कर नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज को मिलता है टेन आवर्स एट लीस्ट

कंटेनर स्पीच जो भी चीज़ रहेंगे इट तो विज अप्रूव्ड बाय द